एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सरल कीजिए। इसका फर्स्ट पार्ट है 2 की शक्ति 2/3 × 2 की शक्ति 1/5। आपको बताया गया है कि अगर आधार समान हो और गुना करें तो शक्तियां जुड़ जाती हैं, मतलब एक्स की शक्ति ए जमा बी आ जाता है। तो ये रूल ऑफ एक्सपोनेंट है फर्स्ट। तो इसको अगर हम अप्लाई करें तो 2 की शक्ति 2/3 × 2 की शक्ति 1/5 में आधार समान रहेगा, दो शक्तियां जुड़ जाएंगी, 2/3 × 1/5। तो ये बन गया 2 की शक्ति 3 और 5 का लघुत्तम लेंगे 15 आएगा, 15 को 3 से भाग देंगे 5, और 5 × 2 = 10 प्लस 15 को 5 से भाग देंगे 3, 3 × 1 = 3। तो ये हमारे पास आ गया 2 की शक्ति 13/15। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। सेकेंड पार्ट है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। थर्ड कहता है कि अगर x की शक्ति a हो और उसकी शक्ति b हो तो ये शक्तियाँ आपस में गुना हो जाती है। x की शक्ति a गुना b हो जाता है। तो इस रूल का अगर हम यूज़ करें तो हमारे पास 1/3 की शक्ति 3 है और उसकी शक्ति 7 है। तो यहाँ पर ये जो 7 है वो एक बार तो दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एक बार तो आएगा 1 के ऊपर और एक बार आएगा 3 की शक्ति 3 के ऊपर। तो 1 की शक्ति 7 का मतलब है 1 को 7 बार गुना करना। 1 को अगर हम 7 बार गुना करें और यहाँ पर ये वाला रूल यूज़ करें तो 3 की शक्ति 3 × 7 हो गया है। 1 को जितनी मर्जी बार गुना कर लो एक ही आएगा, और 3 की शक्ति 21। तो इसका आंसर ये आ गया 1/3 की शक्ति 21। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 3 की शक्ति −21, क्योंकि ऊपर जाने पर इसका चिन्ह बदल जाएगा। दोनों आंसर सही हैं। यू कैन राइट एनी वन ऑफ दी टू। थर्ड पार्ट है इसका 11 की शक्ति 1/2 × 11 की शक्ति 1/4। इसमें हम सेकेंड रूल ऑफ एक्सपोनेंट का यूज़ करें। x की शक्ति a / x की शक्ति b भाग करते समय अगर आधार समान हो तो शक्तियाँ माइनस हो जाती हैं। इस रूल का यूज़ करें तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 11 की शक्ति 1/2 − 1/4। यहाँ पर आपको 2 और 4 का एलसीएम लेना पड़ेगा, वो आएगा 4 लघुत्तम। 4 को 2 से भाग देंगे 2 और 2 × 1 = 2 माइनस 4 को 4 से भाग देंगे 1 और 1 × 1 = 1। तो आपके पास आ गया 11 की शक्ति 1/4। तो ये इसका आंसर आ गया। और इसका फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट सरल करना है। 7 की शक्ति 1/2 × 8 की शक्ति 1/2। आपको एक रूल बताया गया था, रूल नंबर 4, कि अगर एक्स की शक्ति ए गुना एक्स की शक्ति बी हो तो इसको एक ही ब्रैकेट में लिख सकते हैं x की शक्ति a। दूसरा रूल है, अगर आपके पास हो x × y^a तो ये a दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, x^a × y^a। यहाँ पे आधार दोनों अलग अलग संख्याएं हैं, दो अलग अलग संख्याओं का प्रोडक्ट है और उसके ऊपर जो घातांक है वो एक ही है a। तो ये a दोनों के ऊपर बढ़ जाएगा। और इसका उल्टा भी सही है कि अगर x की शक्ति a गुना y की शक्ति a हो तो x और y को गुना करके उसके ऊपर शक्ति a लिखी जा सकती है। तो वही रूल अगर हम यहाँ पर यूज़ करें कि 7 की शक्ति 1/2 8 की शक्ति 1/2 है तो इसको लिख सकते हैं 7 गुना 8
टोटल की शक्ति 1/2 यानी कि 56 की शक्ति 1/2 और 1/2 को आप वर्गमूल भी लिख सकते हैं। बेटर है आप इसको यूनिट छोड़ दो कि 56 की शक्ति 1/2।